तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? हां, वही जो मेज पर बैठा है। परंतु मैं तुम्हारे बीच सेवक की तरह हूं। मेरी सभी परीक्षाओं में तुम मेरे साथ रहे और जैसा मेरे पिता ने मुझे राज्य करने का अधिकार दिया, यह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर भोजन करोगे और तुम सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। तब तो कोई धोखेबाज नहीं। शिमोन, शिमोन सुनो, शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है कि अच्छे को बुरे से अलग करे, जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास न डगमगाए, और जब तुम मेरी ओर लौटो तो अपने भाइयों को ढाढ़स बंधाना। प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने के लिए और मरने को भी तैयार। मैं कहता हूं पतरस, कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तुम 3 बार इनकार करोगे कि मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हें बिना बटुए, झोली और जूते के भेजा तो कोई कमी हुई? नहीं, कोई कमी नहीं। अब जिसके पास बटुआ या झोला हो वो उसे ले ले, और जिसके पास तलवार ना हो वो अपने कपड़े बेचकर खरीद ले। मैं कहता हूं धर्मशास्त्र में लिखा है वो अपराधियों में गिना जाएगा, और मेरे विषय में लिखा सब पूरा हो रहा है। देखिए, यहां तो तलवारें हैं प्रभु। बहुत है।